जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। कहने का अर्थ यह है कि मोती पाने के लिए हमें समुन्द्र की गहराई में जाना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोती बनता कैसे है। समुन्द्र के अंदर एक शीप नाम का जीव होता है, तो शीप और स्वाति नक्षत्र हो, जो हमारे ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती है, हर राशि के दो दो नक्षत्र 24 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक स्वाति नक्षत्र हो और सीप का मुंह खुला हो और उसमें ऊपर से बरसात की पानी की बूंद, जो अमृत की बूंद है, वो उसके अंदर गिर जाती है तो वह मोती बनती है। बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद की कोई दूसरी बूंद गिरती है तो वो मोती नहीं बनता है। इस तरीके से ये शीप बहुत गहरी चली जाती है और खूब गहराई में जाकर के और उस शीप को बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। वो मोती भी अपने आप के अंदर जीव होता है और जब वो शीप से अलग होता है तब वो निर्जीव हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोता गण, इस कहावत से हमें क्या समझना है कि हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, किसी भी उपलब्धि की प्राप्ति करने के लिए बहुत गहरे यानी खूब परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला है कि लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा यह है कि लक्ष्य की क्रियान्विति, प्लानिंग, और तीसरा यह है संकल्प शक्ति, और चौथा यह है धैर्य, और पांचवा जो सूत्र है कि निराशा का न होना। भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोता गण, हम एक एक सूत्र के ऊपर जो है दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण। हम मनुष्य जीवन के अंदर आए हैं और मनुष्य जीवन इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ कहा जाता है। हमारी वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि व्यक्ति 9 भाव तक लगातार सुकृत करता रहता है तब उसको मनुष्य भाव मिलता है, और इस भावों के अंदर सुकृत नहीं करता और मिस हो गया तो 99 भाव के बाद के अंदर वो जो है मनुष्य भाव मिलता है, और उसमें भी सुकृत नहीं किया तो 999 भाव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। हमारे जितने भी भारतीय ग्रंथ है, उन ग्रंथों ने मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई गई है। हमारे इस सृष्टि के ऊपर 4 तरह की गति कही जाती है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति होती है और असंख्य अनंत जीव उसके निवास करते हैं। वो 4 गति का मतलब है कि स्थान जिसके अंदर वो निवास करते हैं, और योनि को कहते हैं, 84 लाख जीवा योनिया है और 4 गति है। गति कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के अंदर कौन से लोग जाते हैं, जन्म लेते हैं, उस योनि में कौन जाते हैं, बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं, वो रौद्र भाव रखते हैं, प्राणियों को मारते हैं, पंचेंद्रीय प्राणियों को, और लोगों को अधिक से अधिक प्रताड़ना देते हैं, दुखी करते हैं, वो लोग नरक गति में जाते हैं। दूसरा, तिर्यंच गति के अंदर जो है हमारे पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जो चराचर जगत है, वो सारा तिर्यंच गति के अंदर जाता है। तिर्यंच गति के अंदर व्यक्ति मोटे तौर पे जन्म कैसे लेता है कि जो मतलब कूट कपट करता है, झूठा मापदोल करता है, झूठ बोलता है, माया करता है, छल कपट करता है, ऐसा व्यक्ति तिर्यंच, ऐसा जीव तिर्यंच गति में जाता है। मनुष्य गति के अंदर कौन जन्म लेता है? जो सरल प्रकृति का हो, परोपकारी हो, दूसरे का सहयोग करने वाला हो
और दूसरे को पीड़ा न देने वाले हो, दुखी व्यक्ति को देख करके उसको दुख की अनुभूति होती हो, ऐसा सरल व्यक्ति, सरल व्यवहार करने वाला मनुष्य गति में जाता है और महान परोपकारी होता है, जो जगत का कल्याण करता है और जगत को सुख पहुंचाता है और जगत का उत्थान करता है। ऐसे परमात्मा के रूप परमार्थी लोग है, देवलोक के अंदर निवास करते हैं। ये सभी स्थान चारों ही हमारी इस पृथ्वी के ऊपर है। नरकिया नारकी सात कहलाती है, जो पृथ्वी की गर्भ के अंदर है। और ये जो मनुष्य लोक है, इसके अंदर दो गतियों के लोग निवास करते हैं, मनुष्य गति के निवास करते हैं और तिर्यंज गति के निवास करते हैं। और ऊपर हमारे 26 देवलोक है, 12 जो है देवलोक है, 9 नवग्रही देवलोक है, और उसके बाद के अंदर जो है वो ऊपर के देवलोक कहे जाते हैं। 26 देवलोक हमारे ऊपर है। तो ये प्रसंगवश बात आ गया कि इन चार गतियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ 84 लाख जीव योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है।